नेहा तिवारी। जानिए अपने जिले में आज हम पहुंच गए हैं यूपी के 43वें नंबर जिले में, यानी कि गोंडा जिले में। बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती और अयोध्या के बीचों बीच है ये जिला। खूबसूरती के साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद अहम है ये जिला। काकोरी कांड के नायक अमर शहीद राजेंद्र कुमार लहड़ी को यहीं गोंडा जिले में फांसी दी गई थी। 400 साल पुराना है इसका इतिहास। और भी यहाँ क्या कुछ है खास, आइए आपको बताते हैं। गोंडा जान बस्ती है हमारी शहर में। यहाँ सब मिलता है सिवाय नफरत के। यहाँ सीधे साधे लोगों का डेरा है। खुशहाली से भरा ये गोंडा मेरा है। वीरों की बस्ती, जवानों का देश, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। गोंडा जिला की ताकत से पूरा ब्रह्मांड डोलता है। ये हम नहीं, हमारा इतिहास बोलता है। यहाँ सुबह दुखरनाथ मंदिर से तो शाम चौक की चूड़ी गली से होकर गुजरती है। खाने पीने के भी लोग यहाँ बहुत शौकीन हैं। भरोसा नहीं होता तो कभी आनंद का समोसा और दुर्गमा की लस्सी पीकर तो देखिए। यहाँ के बताशे और टिक्की में भी बड़ा स्वाद है। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। गोंडा की गलियों का कुछ इतिहास ही पुराना है। हमसे पूछो, हमने इसे बहुत करीब से जाना है। जितनी प्यारी बोली उतना ही कड़क स्वभाव है। अयोध्या के मध्य में स्थित गोनर्द भूमि पर विसेन क्षत्रिय राजा मान सिंह ने 400 साल पहले गोंडा नगर की स्थापना की थी। प्राचीन काल में ये कोसल राज्य और मुगल शासक के अवध सुबाह की बहराइच सरकार के अधीन था। 1865 में ब्रिटिश सरकार के आदेश से अवध शासक के नियंत्रण में आया तो एक विस्तृत भूभाग को बहराइच जिले से अलग करके गोंडा जिला बना दिया गया। तब बलरामपुर का क्षेत्र भी गोंडा का हिस्सा था और इसका विस्तार नेपाल तक का था। अंग्रेजी शासक के खिलाफ बिगुल फूकने वाले विसेन वंश के अंतिम शासक महाराजा देवी बख्श सिंह की शौर्य गाथा आज भी लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा कर रही है। मान्यता के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की यहाँ गायें चरा करती थीं, जिस कारण इसका नाम गोनार्थ पड़ा। यही गोनार्थ अपभ्रंश होकर गोंडा बन गया। यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध ने करीब 21 साल तक प्रवास किया था। कलयुग में जन्मे गोस्वामी तुलसीदास का जन्म भी गोंडा के राजापुर क्षेत्र में हुआ था। इस जनपद में 4 तहसीलें गोंडा, मनकापुर, कर्नलगंज और तरबगंज है। सरयू और घाघरा नदी के प्रवाह क्षेत्र में बसे होने के नाते ये यूपी के सबसे उपजाऊ जिलों में शामिल है। गोंडा में 15 अस्पताल, 27 आयुर्वेदिक अस्पताल, 11 होम्योपैथिक अस्पताल और 2 यूनानी अस्पताल हैं और 66 सरकारी स्वास्थ्य सेंटर हैं। ये राज्य के पिछड़े जिलों में से एक है जहां स्वास्थ्य का पैरामीटर काफी नीचे है। शिक्षा की दृष्टि से गोंडा जिला काफी समृद्ध है। स्कूल कॉलेज से लेकर डिग्री कॉलेज स्तर तक के विद्यालय काफी संख्या में है यहां, लेकिन बदहाली के शिकार हैं। और एक जरूरी बात, देश प्रेम व आजादी के प्रति दीवानगी के गुणों से क्रांतिकारी बने राजेंद्र नाथ लहड़ी ने यही गोंडा की धरती पर हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। आज भी इस जगह से गुजरने पर ऐसे देशभक्त की एक धुंधली तस्वीर मानो अचानक आंखों के सामने आ जाती हो। मैं जब भी तुझे देखूं बचपन की यादों में पड़ जाऊं, बस तेरे एक नाम बस के दीदार से जिला गोंडा हो जाऊं। ये तो हो गई गोंडा जिले की बात, लेकिन गोंडा जिले में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पाया जाता है, जिसके बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताने वाले हैं। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.baatenyupi.com पर विजिट कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।